अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनएससी की वेबसाइट से हम लोग कैसे एनएससी वाले स्टॉक के या फिर एनएससी प्लस बीएससी वाले स्टॉक के एनुअल रिपोर्ट डेट्स देख सकते हैं। लास्ट के वीडियो में मैंने जो आपको बताया था वो बीएससी या फिर बीएससी प्लस एनएससी वाले स्टॉक के डेट्स देखने का तरीका था। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एनएससी वाले स्टॉक की डेट कैसे देखना है। तो यहाँ पे मैं एनएससी की वेबसाइट पे जाता हूँ। सबसे पहले एनएससी टाइप करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो वेबसाइट है सेकंड वाली NSE/India ये वाली, इसको मैं क्लिक करूंगा। ओके, ये एनएससी की वेबसाइट है। अब हम यहाँ पे जब पहुंच गए तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, डेस्कटॉप साइट करना है। ये मैं मोबाइल का तरीका बता रहा हूँ, सेम आप लैपटॉप पे भी अपने कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सर्च बॉक्स है उसमें जाएंगे, टाइप करेंगे। अब जैसे मेरे पास एक स्टॉक है जो ओनली एनएससी लिस्टेड है, उसका नाम है जय जलाराम। ओके, हाँ ये आ गया, ये ओनली एनएससी लिस्टेड है, एसएमई दिख रहा है ना आपको जैसे। तो ये इसका टिकर है कोर, KORE, और ये सिर्फ एनएससी में लिस्टेड है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद इसका पेज ओपन होगा और यहाँ पे मेरे को कुछ कॉलम्स दिखेंगे, ट्रेड इन्फॉर्मेशन, कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स। तो मेरे को कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स पे क्लिक करना है और इसको थोड़ा से मिनिमाइज कर दिया। और यहाँ पे दिख रहा है सेकंड वाला ऑप्शन एनुअल रिपोर्ट, मैंने एनुअल रिपोर्ट पे क्लिक किया। तो यहाँ पे जय जलाराम टेक्नोलॉजीज का 2022-2023 एनुअल रिपोर्ट अवेलेबल है, यहाँ पे दिखा रहा है। अब एनएससी में क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपको डेट नहीं दिखेगी, ईयर दिखेगा कहाँ से कहाँ तक, कौन सा ईयर का है, 2022 से 2023 के ईयर का है, या फिर यू समझिए कि करंट ईयर 2023 का है। तो मेरे को क्या करना है, इसको अटैचमेंट को जो यहाँ पे अवेलेबल है उसको डाउनलोड पे क्लिक करना है। और ये जब डाउनलोड स्टार्ट होता है तो हम वहाँ पे जाएंगे, डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, और मैं यहाँ जो तीन डॉट है उस पर क्लिक कर रहा हूँ। कौन सा, ये तीन डॉट जो है इस पर क्लिक कर रहा हूँ और मैं रीनेम पे क्लिक कर रहा हूँ। रीनेम पे क्लिक करने के बाद मैं अपने कर्सर को यहाँ पे लेके आऊंगा, यहाँ पे दिखेगा 2022-2023 और इस यहाँ पे डेट दिखेगी 02/09/2023, यानी 2 तारीख को सितंबर के महीना 2023 को 14:33, मतलब 2:33 दोपहर का, इस इतने टाइम पे और इस डेट पे ये स्टॉक का एनुअल रिपोर्ट सबमिट किया गया है। ये तरीका था एनएससी की वेबसाइट से हमारा देखने का तरीका, जो लास्ट टाइम मैंने बीएससी का बताया था। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं रिलायंस का, कॉमन है स्टॉक, एनएससी प्लस बीएससी दोनों जगह है। तो यहाँ जो टिकर दिख रहा है पहला राइट साइड में रिलायंस, उस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। टिकर ध्यान रहे कि टिकर गलत ना हो, टिकर मीन्स इसका जो कोड रहता है। कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स में गया मैं, यहाँ से एनुअल रिपोर्ट में गया। एनुअल रिपोर्ट पे जाने के बाद मेरे को यहाँ पे दिख रहा है 2022-2023, 21-22 का भी है, यानी 2012-2013 से रिपोर्ट सबमिटेड है इसकी, और 2022-23 पे है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा जिप के अटैचमेंट पे और वो ओके, इसका अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, तो ये बीएससी में भी दिख जाएगा। खैर अभी मैं दूसरा एक ले लेता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ओके, ये स्टॉक भी कॉमन है और आई थिंक थोड़ी स्लो चल रही है इसीलिए इतना डिले आ रहा है। तो मैंने इस स्टॉक पे क्लिक किया, यहाँ पे कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर पे चले गया मैं, यहाँ एनुअल रिपोर्ट पे आ गया। एनुअल रिपोर्ट पे आने के बाद मेरे को यहाँ पे दिख गया हिंदुस्तान यूनिलीवर का 2022-2023, इसका जो अटैचमेंट है उस पर मैंने क्लिक कर दिया, ये डाउनलोड हो गया, हो रहा है सॉरी। तो ये जब डाउनलोड हो जाए तो मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको रीनेम करना है। रीनेम करने के टाइम पे रीनेम नहीं करना है, सिर्फ रीनेम पे क्लिक करना है और वहां से आपको डेट्स दिख जाएगी। इसके अलावा एनुअल रिपोर्ट के अंदर भी अवेलेबल रहती है डेट्स, बट कुछ कुछ स्टॉक में वो अवेलेबल नहीं रहता है, बट ये डेट आपको इजीली मिल जाएगी। बहुत ही आसान तरीका है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर 2022-2023 और यहाँ पे 29/05 यानी 29 तारीख, 5वां महीना यानी मई 2023 को इसने रात को 9:00 यानी 9:50 इतने टाइम पे इसने सबमिट की थी एनुअल रिपोर्ट एनएससी को, यहाँ पे मौजूद है 29/05। ठीक है, तो ये आसान तरीका था एनुअल रिपोर्ट निकालने का। आई होप इस वीडियो से आपको काफी अच्छी जानकारी मिली होगी और इंशाल्लाह फ्यूचर अपडेट में ऐप के अंदर भी अब एनुअल रिपोर्ट दिखाई देने लगेगी आप लोगों को और आपको इससे आसानी हो जाएगी।